यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32, यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पांव से मथकर गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारे पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा, और जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लोहू से खींचूंगा और उसके नाले तुझसे भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रीस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा, और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, बाबुल के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तीर पर से नाश करूंगा, और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पाव से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल की नाई बहेगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं मिस्र देश को उजाड़ कर दूंगा और जिससे वह भरपूर है उससे छूछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है। जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय वे यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतार। तू किससे मनोहर है, तू उतरकर खतनाहीनों के संग पड़ा रह। वे तलवार से मरे हुओं के बीच गिरेंगे, उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। सो मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले। सामर्थी शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग वहां तलवार से मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत अश्शूर भी वहां है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर है। सबके सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों में बनी हुई है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहां एलाम है और उसकी कब्र की चारों ओर उसकी सारी भीड़ है।
वे सबके सब तलवार से मारे गए हैं, वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं, वे जीवनलोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कबर में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी स्याही छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुओं के बीच सेज मिली, उसकी कब्रें उसी के चारों ओर है। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए, उन्होंने जीवन लोक में भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर स्याही छाई हुई है और वे मरे हुओं के बीच रखे गए हैं। वहां भीड़ समेत मेशेक और तुबल है, उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए, क्योंकि जीवनलोक में वे भय उपजाते थे, और उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े न रहेंगे जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक में उतर गए हैं। वहां उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई है और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्याप्य है, क्योंकि जीवनलोक में उनसे शूरवीरों को भी भय उपजाता था। इसलिए तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुओं के संग पड़ा रहेगा। वहां एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान हैं, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सिदोनी भी है, जो मरे हुओं के संग उतर गए। उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हुओं के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं, और कब्र में अन्य गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी स्याही छाई हुई है। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवलोक में भय उपजाया था, इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं के सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।